भारी मात्रा में गांजे के साथ दो युवकों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों की पहचान कुछ बिहार निवासी प्रदीप सरकार और सुदीप दास के रूप में हुई। बताया जा रहा है कि एसटीएफ को गुप्त सूत्रों से सूचना मिली थी कि माटीगाड़ा में एक वाहन से गांजे की तस्करी की जाएगी। इसकी सूचना मिलने पर एसटीएफ ने माटीगाड़ा के फांसीदेव अंडरपास पर छापेमारी की। वहां एक पिकअप वैन को संदेह होने पर हिरासत में लिया गया और पिकअप वैन की तलाशी ली गई। तलाशी लेने पर गुप्त कक्ष से भारी मात्रा में गांजा बरामद हुआ। बरामद गांजे की मात्रा 138 किलो से ज्यादा बताई जा रही है, जिसकी अनुमानित बाजारी कीमत करीब 13 लाख रुपए आंकी गई। घटना के सिलसिले में ड्राइवर और सह चालक को एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार दोनों को माटीगाड़ा पुलिस को सौंप दिया गया। इधर पुलिस ने गिरफ्तार दोनों को आज सिलीगुड़ी अदालत में पेश किया। इसी के साथ पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है।